देखिए मैजिक, मैजिक तो देखिए बाहर बैठकर ये अपना ग्रीन टी पी रहे हैं। वहाँ का पेड़ देखिए, सूरज की रोशनी कितनी सुंदर लग रही है। और ये राजराज तो ये देखिए दूध लेकर आ गए हैं, पीछे से आ रहे हैं कालू डॉग, कालू कालू। हेलो दोस्तों, जय श्री शंकर, जय श्री शंभू। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ और सूर्योदयता के साथ हमारी हो गई है सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोगों को भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग, जय श्री शंकर, जय श्री शंभू। तो हम लोग टहलने के लिए निकल दिए हैं। शिवराज काफ़ी दिनों से जिद कर रहा था कि टहलने चलना है, टहलने चलना है। और हम लोग को भी थोड़ा सेटलमेंट करने में टाइम लग रहा था, तो आज काफ़ी हद तक सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम टहलने को चलते हैं। वहाँ का पेड़ देखिए, सूरज की रोशनी कितनी सुंदर लग रही है। और ये राजराज एक्चुअली इसको छोटे साइकिल से मन हो रहा था आने के लिए, पर तुमने जिद किया कि नहीं तुम बड़ी साइकिल से चलो। तो अब आप देखेंगे इस पेड़ से कितनी इसकी प्रॉब्लम हो रही है चलाने में। आ जाओ, ये है बिच्छू घास, एकदम बिच्छू की तरह डंक मारता है। और इसकी जो बाल हैं, ये इसके ऊपर जो ओस पड़ी हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये ठंडियों में खाते हैं, बहुत ही गर्म होता है। इसकी साग सूप और भी चीज़ें बनाई जाती है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें सारे जो फ्रूट है सब ख़त्म हो गए हैं, तो बस पत्ते पत्ते पेड़ पेड़ ही बचे हुए हैं। अभी तो स्टार्ट है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे, वहाँ प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाएंगे, यहाँ की दिनचर्या, यहाँ का जो कुछ कल्चर वगैरह है शेयर करेंगे। आप लोग देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए दूध लेकर आ गए हैं, पीछे से आ रहे हैं कालू डॉग, कालू कालू। देखिए सामने का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये हमारे घर से व्यू है। और चलिए चलते हैं। आ बाबू, तो यहाँ पे टेम्प्रेरी जुगाड़ है सीढ़ी का, इस तरह से लोगों ने कर दिया है। आपको पता है इसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? जैसे कि जब भौरे डंक मारते हैं ना, तब इसके पत्ते को रगड़ कर आप वहाँ पे लगा लीजिए, तो इसका जो डंक होता है वो निकल जाता है और पेन नहीं होता। और अब ये देखिए, कल हम लोगों ने सीढ़ी भी बनाया, तो ये चार स्टेप भी बनी है, ऊपर तो भी दो स्टेप बनानी है, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। क्योंकि चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत होती थी, थोड़ा सा बारिश हो जाता था तो बहुत दिक्कत होती थी, फिसलन हो जाती थी। और यहाँ पे भी हम लोगों ने टेम्प्रेरी जुगाड़ किया है, ये सब ईटा वगैरह जोड़ कर, ये देखिए कुछ पौधे लगाए हैं हमने। और ये देखिए, ये है करी पत्ता, करी पत्ता में ये फल आया हुआ है, तो पक गए हैं इसका बीज। जब आज हम लोग सुबह सुबह वॉक पे चले गए तो काफ़ी लेट हो गया है, 7:15 बज गए हैं, तो अब तक हम लोग अपना हर्बल टी पी चुके होते हैं। बाकी कोई नहीं, ये भी टहलना भी जरूरी है, क्योंकि टहलेंगे तभी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा हर्बल टी पिएंगे हम लोग। पहाड़ों में रह के इतने बेहतरीन क्लाइमेट में और इतने सुंदर लैंडस्केप में अगर आप टहलने नहीं निकल रहे हैं तो क्या बात, देख सकते। तो आज सुबह सुबह हम लोग तो पीने वाले हैं ग्रीन टी, वो भी मॉर्निंग ग्लोरी का। तो मैं तोड़ रहा हूँ मॉर्निंग ग्लोरी, एक दो, दो में कब तैयार हो जाता है। इतने मॉर्निंग ग्लोरी तोड़ के ले आए हैं, दो फूल एक कप ग्रीन टी के लिए काफ़ी होते हैं, हम तीन लोग हैं तो 6 फूल। और इधर पानी बॉयल हो रहा है, बस अब इसको बंद कर लेंगे गैस को।
और ये मैंने डाल दिया इसमें। समझ आया? देखिए ना कैसे इसका कलर आ रहा है धीरे धीरे पानी में। ये देखिए पानी का कलर धीरे धीरे ब्लू हो गया है। इसका कलर ब्लू हो चुका है पर्पल और इसका अभी थोड़ी ही देर में हो जाएगा। सिराज कितना एक्साइटेड है बहुत दिन से कह रहा था सिराज कि मुझे मॉर्निंग ग्लोरी की ग्रीन टी पीनी है, आज मिला। नहीं बेटा उसमें गिर जाओगे, मत चढ़ो उस पर, नहीं चढ़ना। ऐसे कलर चेंज हुआ इसका, देखा हो गया ना। मारी देखो हम लोग ग्रीन टी बन रही। अब इसमें चाहे तो थोड़ा सा शुगर या फिर हनी मिला सकते हैं, ज्यादा अच्छा होता है। हनी मिला, हनी मिला करके फिर उसके ऊपर से जब आप नींबू डालेंगे तो होगा मैजिक। मैजिक देखना है सूरज, सूरज मैजिक देखेगा। अभी ये कलर सारे एक्सट्रैक्ट हो गए हैं तो अब इसमें से ये फ्लावर्स को निकाल लेते हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे हनी, एक चम्मच हनी। हनी ऐड कर लिया। हनी आपकी चॉइस है, अगर आपको मीठा का पीना है तो डालें, नहीं तो विदाउट हनी के भी पी सकते हैं, अपनी अपनी पसंद है लोगों की। नींबू ऐड करेंगे। नींबू ऐड करते देखिए मैजिक, ऊपर से देखो। वाह, नीचे से देखो, देखिए मैजिक मैजिक। ये हमारा मॉर्निंग क्या है, क्या बोलेंगे, टी है और ग्रीन टी। अच्छा तो ये देखिए हमारा मॉर्निंग पिंक ट्री है मैं ग्रीन टी तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसका कलर पिंक। तो अब चलते हैं हम लोग, इंजॉय लेते हैं इन खूबसूरत हसीन वादियों के साथ। और बाकी अब बाहर का मौसम देख सकते हैं क्या, इन हसीन वादियों के साथ पिंक पिंक कलर का जाम मिल जाए तो क्या बात है दिन भर काम करने के लिए बैटरी हम लोग के चार्ज हो जाएंगे। और तो देखिए बाहर बैठ कर ये अपना ग्रीन टी पी रहे हैं। मैं तो अंदर ही बैठ गई थी क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड, और बाहर का मौसम तो आप देख ही सकते हैं। सूर्य देवता सुबह सुबह आए थे, उसके बाद फिर बादलों ने उनको घेर लिया, तो इस तरह से थोड़ा धुंध हो गया है। बारिश का सीजन है, हालांकि रात में भी बारिश हुई थी। तो आज चल रही है साफ सफाई तो घास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अपने एरिया में यहाँ पे, तो पूनम साफ सफाई पे लग गई है। घास ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या जो आ रही है हम लोग को वो आ रही है मच्छरों की। ये देखिए बाकी नहीं है तो ये हमने हिस्सा ब्लड इससे काम चल रहा है। और मैं लग गया हूँ यहाँ पे प्लम्बिंग के काम में, तो अभी ये किचन का जो पानी है वो निकलने के लिए पाइप लगा रहा हूँ, ऐसे होकर के इधर चला जाएगा नीचे। और इस साइड से बाथरूम का पानी आएगा, इस साइड से बाथरूम का पानी आएगा ऐसे यहाँ पे किनारे किनारे होते हुए वो इधर बाहर आ जाएगा। तो दोनों कनेक्ट करके किचन का और बाथरूम का आगे नाली में चला जाएगा। अभी यही प्लानिंग है, इसी पे काम कर रहे हैं।